दो 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है पहले चरण और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है और हम चुनाव यात्रा पर लोगों का माहौल जानने निकले हैं कि आखिर बिहार के लोगों का इस बार मूड क्या है चालीस लोकसभा सीट वाला बिहार इस बार चर्चा में मोतिहारी लोकसभा सीट भी है और हम मोतिहारी में देखिए मोतिहारी में एनडीए डी के तरफ से बीजेपी के खाते में सीट गया है और राधा मोहन सिंह को यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया है और दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस जो कि महागठबंधन है उसकी बात की जाए तो महागठबंधन के खाते में यह सीट वी के खाते में गया यानी कि विकासशील इंसान पार्टी जिसके संरक्षण मुकेश सहनी है तो लोगों से हम जानेंगे कि आखिर इस बार मोतिहारी की जनता एनडीए के साथ है या फिर महागठबंधन के साथ इसी पर जानेंगे क्या कुछ लग रहा है सबसे पहले अपना नाम बताइए मेरा नाम हुआ अभिषेक पांडे युवा समाज सेवी है यहाँ के आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम क्या लग रहा है मोतिहारी की जनता इस बार किसके साथ है एनडीए के साथ यानी कि नरेंद्र मोदी के चेहरा पर आप लोग वोट देंगे या फिर महागठबंधन देखिए यहाँ ना महागठबंधन के नाम पे हम लोग वोट देंगे ना नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देंगे क्योंकि यहाँ के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी नहीं पार्टी उनकी है पार्टी हाँ। के प्रधानमंत्री हैं लेकिन जिस व्यक्ति को यहाँ टिकट देकर वो बा, बार बार संसद बनवाते हैं हाँ। और लोग यहाँ गौरवान्वित करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से अच्छे माहौल क्रिएट करके और बहुत भारी मतों से जिताते हैं फिर भी वो यहाँ के लिए कुछ ज़्यादा विकास नहीं कर पाते इसलिए यहाँ पे व्यक्तिगत व्यक्ति के नाम पे चुनाव होगा और अमकी बार जो है कहीं ना कहीं लोगों की यह सोच चल रही थी कि इस बार संसद महोदय को पुनः चेंज कर देना है लेकिन अभी भी महागठबंधन असमंजस में इस प्रकार से है जिस प्रकार से गोल घेरा में उसको मिलिए नहीं रहा होगा गेट निकलने के लिए हाँ। उस प्रकार से महागठबंधन घेरा में है वो उस प्रकार का कैंडिडेट यहाँ पे दे नहीं पा रहा है जो राधा मोहन सिंह का टकराव दे और यहाँ का चुनावी बिगुल में अपना डंका ला रहा है बजाए ऐसा क्रिएट कर ही नहीं राधा मोहन सिंह ठीक काम नहीं किए हैं राधामोहन सिंह आपको कितना लग रहा है कितना परसेंट ठीक काम किए कृषि मंत्री थे।, थे, थे तो कितना परसेंट काम किए थे इस बात आप, आप पार्क बना है देखी बील्कुल, देखी बील्कुल, आ, दे दे कितना दिन के अंदर में उन्होंने कार्य किया कभी ये बात पर आप सोचे है पच्चीस साल जो होती है ना एक बच्चा को बाली होने में बहुत अच्छा से वक्त लगता है और अठारह साल के बाद गवर्नमेंटियल एविडेंस के अनुसार बाली हो जाता है पच्चीस साल से रह कर कितने समारे हैं वो जानते हैं एक विधायक और एक सांसद को एक पंचायत गोद लेना होता है जिसे भरपूर काम से सजेव कर और एक सुंदर संरचना से उसे सोना का चिड़िया माहौल दिया जाता दे। दे। है लेकिन उन्होंने आज तक जिस पंचायत का गोद लिया उस पंचायत में रेलवे क्रॉसिंग का फाटक जो है वहाँ पे आज भी रोड नहीं बना हुआ है चले जाइए कुछ दिन पहले कुंडिया का लिए थे आज भी वहाँ का जाइएगा तो रोड़े मिलेगा रोड पे ऐसा जहाँ वो गोद लेते हैं वहाँ का कमे नहीं करते हैं और आप बात किए ना स्टेशन का चाहे चरखा पार्क हो चाहे आपको मदर डे हो।, हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो आप जो बात किए हैं क्या वो अपने पैकेज से दिए हैं हुँ। नहीं हुँ। वो अपने पैकेज से पर्सनल एमपी के पैकेज से नहीं काम कराए हैं हाँ। ये एनुअली इंडिया लेवल के के अंतर्गत जो फंड आया था चंपारण को जो सौगात देना था प्रधानमंत्री जी को वह सौगात मिला है तो आप लोग किसके साथ है, के साथ एनडीए के या फिर महागठबंधन के साथ हम लोग तो अभी का जिस प्रकार से सिचुएशन चल रहा है अभी तो हम लोग एनडीए के साथ हैं लेकिन अगर प्रत्याशी महागठबंधन अच्छा देता है हाँ। और व्यक्तिगत लोगों में यहाँ के स्थानीय होंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने का महागठबंधन महागठबंधन चलिए आपका क्या नाम है सानू पांडे क्या लग रहा है मोतिहारी में किसका माहौल है एनडीए का या फिर महागठबंधन का देखिए मोतिहारी लोकसभा अपने आप में एक सीट है हर एक साल रहता भी है uh, मोतिहारी में अभी माहौल चल रहा है एनडीए का राधा मोहन सिंह का कारण ये है कि महागठबंधन जो है सही समय पर प्रत्याशी तय नहीं कर पाता है 2019 में आप देखे थे माधव आनंद तैयारी कर रहे थे और रातों रात पता चला आकाश सिंह का यहाँ पे लैंडिंग हो गया चुनाव हारे चार लाख वोट से पूरा माहौल था लेकिन चार लाख से हारे चार लाख वोट से करीब चुनाव हारे थे उसके बाद कहाँ गए पत्ते नहीं चला अब दोबारा दिखियो नहीं रहे बीच में उनका पता चल रहा था कि महागठबंधन आर के कोटे में था सीट तो फिर आकाश सिंह का चर्चा हो रहा था कि आकाश सिंह आएंगे फिर लोग का मूड वही था लेकिन महागठबंधन को यहाँ पे करीब छः महीने साल भर पहले प्रत्याशी घोषित करना होगा पूर्वी चंपारण के लिए और फिक्स करना होगा वैसा कैंडिडेट को देना होगा जिसको आम जनता जानता हो यहाँ पे लेकिन आर में कई नेता हैं जो दावेदारी ठोकते हैं कुछ दिन पहले की बात है यही मोतिहारी के बापू सभागार में आरजेडी ने के नेताओं के कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट भी हुआ था तो ये, ये पूरा अच्छा अगर म, मुकेश सहनी यहाँ से अगर खुद आते हैं तो टक्कर कितना होगा बाईक करेंगे मुकेश सहनी एकदम बाइक करेंगे भाई हमें बाहरी नहीं चाहिए ना अच्छा। हमें लोकल ही चाहिए हाँ। बाहरी को हम वोट नहीं देंगे भले राधा मोहन सिंह को जिता देंगे मुकेश नहीं नहीं मुकेश मुकेश सहनी कितना जानते हैं पूर्वी चंपारण के बारे में पूर्वी चंपारण के कितने लोगों को वो जानते हैं पूर्वी चंपारण के कितने लोगों से मिले हैं वो निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आए थे जहाँ जहाँ जिस जिस विधानसभा क्षेत्र में मलाहों की जाति ज़्यादा थी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से लैंड किए निषाद आरक्षण की बात किए और फिर एरोप्लेन से उड़ गए तो भाई कितने लोगों को जानते हैं वो तो सिर्फ निषाद आरक्षण को लेके यहाँ पूर्वी चंपारण में आए हैं तो अगर मुकेश सहनी आते हैं तो पूरे पुरजोर तरीके से बाइकआउट करेंगे स्थानीय चाहिए लोकल चाहिए चाहे भले दोबारा दोबारा नहीं है सतवा आठवा बार भले राधा मोहन सिंह को वोट देना पड़े जिताना पड़े राधा मोहन सिंह मंजूर रहेंगे लेकिन बाहरी कोई नहीं चलने वाला है आपका क्या नाम है नाम अभिषेक मिश्रा हुआ है क्या लग रहा है मोतिहारी में किसका माहौल है देखिए मोतिहारे में फिलहाल जो है राधामोहन सिंह का ही माहौल नहीं है हाँ। राधामोहन सिंह ही जीतने वाले अच्छा। हैं क्योंकि महागठबंधन जो है अभी तक अपना उम्मीदवार तय ही नहीं किया हाँ। दुल्हा कौन है बराती तैयार है पते लेकिन दुल्हा कौन हाँ। है किसका भी हवा पते ही नहीं है तारीख उतर गया है दिन उतर गया है लेकिन दुल्हा नहीं पता है महागठबंधन को चुनाव जीतने के लिए कम से कम एक महीना पहले उम्मीदवार घोषणा करना होना चाहिए लेकिन महागठबंधन ने तो उम्मीदवार घोषणा ही नहीं किया सबसे पहली बात की हिमांशु देखा जाए तो छब्बीस छब्बीस सीटों पर घोषणा कर देती है आरजेडी के छब्बीस सीटों लड़ेंगे अब एक एक जो है वी को शामिल कर लेती है और तीन जो सीट है वो आपको बी आई खत्म दे, दे देती है अब वी आई कोई उम्मीदवार लिखाई देता है आपका मुताबिक लग रहा है कौन नेता है बी में हैं संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं निषाद का के भाई अपने निषाद संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं लोग पूरा बीच घूम रहे हैं कुछ होने वाला है अच्छा किस किस मोटिव से किस से युवा उद्देश्य इस बार वोट देंगे एनडीए को देखिए लोग लो, जी को वोट नहीं देने वाले हैं लोग मोदी जी को वोट देंगे आ, क्योंकि मोदी जी जो, जो कह रहे हैं गारंटी मोदी की गारंटी चल रही है लगातार आपको यहाँ पार्क जो खड़े हैं इस पार्क में राधा मोहन सिंह ने इसका किया सिलान किया है तमाम जो मदर डेढ़ी है बथना में उन्होंने किया है मोतिहार यूनिवर्सिटी हो गया कृषि कृषि का जो जो बना हुआ है में उन्होंने किया है हाँ एक बात तो है मोदी जी ने एक गलती किया है मोदी जी ने जब आया था ना चुनाव में मोतिहारी में पहला बार तो बोले थे कि चीनी मिल के चाय जाए, पी के जाएंगे तो राजा मोहन सिंह ने कुछ दिन पहले भी अगर कह दिया है कि नहीं चीनी मिल प्राइवेट था तो मोदी जी क्यों कह दिए थे भाई मोदी जी क्यों कह दिए थे कि चीनी मिलता जाएंगे उनको पता है ना भाई प्रधानमंत्री हैं हर नेता से जुड़ाव रहता है लोग उनका बहुत फैन फॉलोअर है तो कैसे कह दिए थे कि भाई कि हम चीनी जाएंगे बहुत सारा मुद्दा है लेकिन जो कैंडिडेट के ऊपर अभी पूरा जो है साज ताज जो है टिका हुआ है कैंडिडेट कौन आ रहा है महागठबंधन का तभी खेला हो सकता है समानसूख क्या लग रहा है कि लगातार जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार होंगे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पांच लाख नौकरी हम दिए थे अच्छा पांच लाख दिए थे तो पांच लाख क्या लग रहा है कि तेजस्वी दे दिए थे दिए नहीं नहीं दिए थे, हाँ। तो नहीं नहीं तो थे, थे, ऐसे थोड़े होता थे, नहीं थे। हाँ। भाई उप आए नीतीश कुमार जी को महागठबंधन में लाए उन्होंने जोर लगाया नौकरी दिलवाने का प्रयास किया इस बात को माना जा सकता है लेकिन अब तेजस्वी यादव कहे कि हम ये नौकरी दे दिए तो भाई विधायक कहे कि हम लोकसभा क्षेत्र के सांसद है तो कोई मानने वाला है कि तुम सांसद है बिधायक बिधायक सांसर्थ सांसर्थ उसी तरह तेजस्वी यादव प्रयास किए उन्होंने नौकरी दिलवाया और कह रहे हैं कि विभाग हमारा था मंत्री हमारा था तो नौकरी कौन शिक्षा विभाग उनके सुने, पास सबसे पहले नहीं था और शिक्षा विभाग में जो पहले शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिए नियोजित शिक्षक का दर्जा दिए उनका दोबारा एग्जाम लेके भाई नौकरी दिए तो ऐसे देखिए तो कितनों को नौकरी दिए हैं आज देख लीजिए वही मुख्यमंत्री घोषणा कर दिए है ना कि विधानसभा चुनाव तक दस लाख नौकरी दे देंगे तो भाई देखिए आगे अगर नीतिशत तो कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव हम ये ना किए अब तेजस्वी यादव के आने से हो गया है सुनिए वही तेजस्वी वही तेजस्वी यादव वही तेजस्वी यादव जिनके पिता लालू यादव चरवाहा स्कूल खोलते हैं, कई गो चरवाहा स्कूल है कितना स्कूल चलता है उस समय कितना शिक्षक था कितना रोड बना था